हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं, आज तारीख 18 मार्च 2021 दिन गुरुवार हो गया। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, 50 इंपोर्टेंट अपडेट है, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक तो ये जो 1 अक्टूबर 2021 आ रहा ना, उसके बाद से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, को लेकर नए नियम जारी हो चुके हैं। जी हाँ, सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर कुछ सख्तियां बरतना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, अगर वो स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर उनके लिए RC रिन्यू करानी हो या फिटनेस सर्टिफिकेट अपडेट कराना हो तो ये चीजें थोड़ी महंगी होगी। मतलब पुरानी गाड़ियां, जितनी गाड़ी आपकी पुरानी होती जाएगी ना, उतना ही इन चीजों का रिन्यूअल का चार्ज बढ़ता जाएगा। 1 अक्टूबर से हमारा देश में जो ये नियम लागू होने जा रहा है, सरकार ने इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं आप, बाइक, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर वगैरह के लिए कितने के चार्जेस लगेंगे। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, होली में शराब की होम डिलीवरी पर रोक रहेगी। बिहार पुलिस ये पहरेदारी करने जा रही है, इनकी पहल शुरू करने जा रही है, होली पर शराब वगैरह नहीं डिलीवर होगी होम पर। इसके अलावा शराब बैन पर और एक अपडेट ये आ रहा दोस्तों कि आजकल आपको बताओगे चुनाव का सीजन चल रहा है, इलेक्शन वगैरह का, जिसमें देखिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK और DMK दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने शराब बंदी का भी वादा किया। मतलब कि अगर हम जीतते हैं तो तमिलनाडु राज्य में शराब को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये कुछ बातें चीजें चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, बुजुर्गों को काम देने के लिए सरकार जल्दी एक नई योजना शुरू करने जा रही है। जी हाँ, हमारे देश में दोस्तों कई सारे ऐसे जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनके आगे पीछे सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो उनको कुछ न कुछ काम की जरूरत पड़ती है, राइट। अब सरकार जरूरतमंद वरिष्ठ जनों को काम देने के लिए जल्दी एक नई योजना शुरू करने जा रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अब बहुत जल्द ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के जरिए बुजुर्गों को रोजगार देने की एक नई पहल शुरू की जाएगी, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आपको पता होगा ऐसी चर्चाएं और खबरें चल रही हैं कि 1 अप्रैल से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, महंगा हो जाएगा, लेकिन IREDA ने इस पर रोक लगा दी है। 1 अप्रैल से आपका हेल्थ बीमा का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। अब आपका इंश्योरेंस जो है वो महंगा नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने पॉलिसी होल्डर्स को कुछ राहत देते हुए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया। और इसके मुताबिक दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियां अपनी मौजूदा पॉलिसी में बदलाव या नए बेनिफिट जोड़ने का हवाला देकर प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। कंपनियों को नए बेनिफिट पॉलिसी होल्डर्स को एड ऑन के रूप में ही देने होंगे। IREDA का आखिरकार इस पर आदेश भी आ चुका है, तो मौजूदा पॉलिसी के प्रीमियम में आपके कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, इससे राहत मिलेगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छा अपडेट है। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, इस बार दोस्तों हरिद्वार, कुंभ और चार धाम यात्रा के दौरान बिजली बाधित नहीं होगी, यानी कि बिजली कटौती नहीं होगी। ऊर्जा निगम को ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, प्रशासन की तरफ से हरिद्वार महाकुंभ और चारधाम यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के लिए मंगलवार को अलग अलग आदेश ऊर्जा निगम को जारी कर दिए हैं। और उसके मुताबिक दोस्तों, कुंभ मेला वगैरह के दौरान बिजली कटौती देखने को नहीं मिलेगी, तो ये अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, इसके अलावा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, पेंशन बढ़ाने पर सरकार ने ये जवाब दिया। दरअसल दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये सूचना PF खाते पर मिलने वाली पेंशन राशि को लेकर है, इसलिए सरकारी एवं प्राइवेट सभी कर्मचारी से प्रभावित होंगे। दरअसल लंबे समय से PFO पेंशन को लेकर कसमकस की स्थिति बनी हुई है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन कोई निर्णय अभी तक नहीं निकल पा रहा। दूसरी तरफ अब सरकार ने इस पर अपना रुख साफ एवं स्पष्ट कर दिया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पेंशन योजना में होने वाले बदलाव की जानकारी दी है। और इसी बीच दोस्तों, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ आएगा। और कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अतिरिक्त बजटीय सहायता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। तो फिलहाल जो सरकार ये PF वगैरह के पेंशन वगैरह और इसको न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की कोई मूड में नहीं है। और बाकी देखते हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब ऑफिशियली देश के उच्च न्यायालय की तरफ से भी क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट TLS न्यूज की तरफ से। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत और बांग्लादेश नदियों के जल प्रबंधन पर बढ़ाएंगे सहयोग, दोनों देशों में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश नदियों के जल के बंटवारे की रूपरेखा बनाने के साथ ही नदियों में प्रदूषण खत्म करने, नदियों के जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन समेत जल संसाधन से जुड़े
जुड़े कई मुद्दों पर एक दूसरे के बीच सहमति बनी है, तो ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, तेल पर नहीं बनी बात है तो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सऊदी अरब को लगेगा तगड़ा झटका। जहाँ दरअसल दोस्तों साल 2021 में कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में जैसे जैसे तेजी आई है, आर्थिक गतिविधियां तेजी से वापस बढ़ने लगी हैं और इसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। पेट्रोल डीजल की डिमांड में तेजी के बीच तेल उत्पादक देश ओपेक ने प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करने का फैसला किया, जिसके कारण कच्चे तेल का रेट उछलने लगा। ये $70 प्रति बैरल तक जांच पहुंचा है और इसके कारण अपने देश में दोस्तों कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए चल रहा और डीजल 95 तक पहुंच चुका। एटलीस्ट क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो महंगा चल रहा। अब दोस्तों इन कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार जो है वो लगातार ओपेक देशों के साथ बातचीत भी कर रही है और उनसे प्रोडक्शन में तेजी की अपील भी कर रही है। लेकिन क्या कि ओपेक देश भी अपनी टुनटुनी दिखा रहे हैं और सरकार भारत सरकार की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसी बीच देखिए मोदी सरकार ने फैसला बदल दिया, भारत जो है वो सऊदी अरब से तेल का आयात ही घटा देगा, अब इस देश से आएगा सस्ता तेल। जहां ओपेक देश अपनी बातें नहीं मान रहे तो भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करने का फैसला किया और अब जो दोस्तों भारतीय ऑयल रिफाइनरी जो है वो अमेरिका से अधिक तेल आयात करने का फैसला किए हैं, जिनकी कीमतें कम है। अब कुल मिलाकर के कच्चा तेल भारत में ज्यादा इंपोर्ट जो है वो अमेरिका से होगा, ना कि ओपेक देशों से, सऊदी अरब वगैरह से, क्योंकि वो तो बातें मान ही नहीं रहे, तो भारत सरकार ने भी कटौती कर दी है। वाकई में अच्छी पहल है। अच्छा अगली खबर देखिए आप, टीएमसी मैनिफेस्टो जारी हो चुका, कल ही ममता बनर्जी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया, चुनाव का सीजन चल रहा तो, और इसमें पेंशन राशन से लेकर बीमा क्रेडिट कार्ड और रोजगार के वादे भी किए गए। कुछ प्रमुख पॉइंट्स ये हैं ममता बनर्जी या दीदी के पश्चिम बंगाल के मैनिफेस्टो को लेकर, कि एक तो SC ST के गरीब परिवारों को 12,000 रुपए साल के दिए जाएंगे और इसके अलावा हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा वगैरह वगैरह, कई सारी बातें हैं जो चुनाव के दौरान होती हैं, कुछ विधवा पेंशन के तौर पर 1,000 रुपए कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगली खबर में, देखिए दोस्तों होली के बाजार में छाया पीएम मोदी का जादू, भारतीय रंगों से फिजा हुई निराली। जहां होली का त्योहार आने वाला आपको पता होगा और ये देखिए कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजारों दुकानों में होली का रंग और जादू छा रहा, वो भी मोदी वाले मुखड़ों के साथ और मोदी वाली पिचकारी के साथ। दोस्तों पहले क्या है कि काफी चीजें चाइनीज उत्पादों की देखने को हमें मिलती थी किसी भी त्योहार पर, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर होने जा रहा, चाइना की काफी चीजें जो भारतीय ब्लॉक करते जा रहे हैं, ये वाकई में अच्छी बात है। भारत की ही बनी हुई चीजें अब ज्यादा देखने को मिलेगी हमें। ओके, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक साथ आप 50 लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, अब ये नया फीचर आ चुका है ग्रुप वीडियो कॉल करके। दरअसल फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने एक नया फीचर का अनावरण कर दिया। कंपनी ने मैसेंजर रूम नाम की एक नई सुविधा शुरू की है जो यूजर्स को एक साथ 50 लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल करने की सुविधा देती है। ओके, तो आप भी व्हाट्सएप पर इस फीचर का यूज कर सकते हैं। और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों कि खराब गाड़ियां अगर कोई ऑटो कंपनी बेचती है ना, तो अब उनकी खैर नहीं, एक तो 1 करोड़ रुपए तक का उन पर जुर्माना लगेगा और इसके अलावा गाड़ियों को वापस तो मंगाना ही पड़ेगा, रिकॉल करना होगा। जी हाँ, अगर आपने कोई कार या बाइक खरीदी है और उसमें किसी तरह की खराबी आ चुकी है और आप उसको लेकर परेशान है, बार बार शिकायत करने के बावजूद ऑटो कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, यानी कि जिस कंपनी की गाड़ी कार बाइक वगैरह आपने खरीदी है, वो कंपनी अगर आपकी कंप्लेन को सुन नहीं रही है, तो अब आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने ऐसी ऑटो कंपनियों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया, जो खराब वाहन बेचते हैं उनमें किसी भी तरह की अगर खराबी पाई जाती है तो सरकार ने गाड़ियां बनाने वाली जो ऑटो कंपनियां होती है ना, और इम्पोर्ट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। जो ग्राहकों को खराब गाड़ियां बेचेगी उन कंपनीज पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसको लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके अलावा भी इतना ही नहीं, खराब गाड़ी को रिकॉल भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जुर्माना और भी ज्यादा लग सकता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात पता क्या, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ग्राहकों से 1 रुपया भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और ये ऑटो कंपनियों के लिए नए नियम जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। अच्छी पहल है। अच्छा कुछ एजुकेशनल न्यूज में आपको बता देता हूँ फटाफट से, शिक्षा से संबंधित खबरें देखिए। राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला है, सरकारी स्कूलों में नहीं होगी कक्षा 5वीं तक की परीक्षा। जी हाँ, फिलहाल दोस्तों राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 संक्रमण को देखते हुए सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के मौजूदा शिक्षा सत्र में कोई भी परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया। इन कक्षाओं के बच्चों को इनके आकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत यानी कि प्रमोशन कर दिया जाएगा। ओके, और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1.80 करोड़ बच्चों को मिलेगी फ्री किताबें, NCERT सिलेबस लागू किया जा रहा। जी हाँ, एजुकेशन पर और एक अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दी जाने वाली निशुल्क पाठ्य पुस्तकों को छापने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया। सरकार 1.80 करोड़ बच्चों को निशुल्क किताबें देती है, अप्रैल से नया एजुकेशन सेशन लागू होने जा रहा। ओके, और एजुकेशन पर और एक खबर, ये मैंने आपको अपडेट पहले भी बताया था कि बिहार राज्य में भी अब 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं वो बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा, ये रूल जो लागू होगा दोस्तों पिछले साल के जो 8वीं क्लास तक की जो पेंडिंग एग्जाम्स है ना उनके लिए, मतलब कि
एजुकेशन ईयर 2021 के लिए, ठीक है ना, इस साल के लिए नहीं है। अच्छा, एजुकेशन पर और एक अच्छी खबर देखिए, यूजीसी नेट और गेट पास स्टूडेंट्स को यहाँ 3 साल तक हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। छात्रों को रिसर्च के प्रति आकर्षित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो शोध मेधा छात्रवृत्ति करके एक नई योजना की शुरुआत करने जा रहा है, और इसके साथ ही 2 अन्य स्कॉलरशिप भी लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से शुरू की जाएंगी। नेट और गेट उत्तीर्ण छात्राओं को 5,000 रुपए हर महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। छात्र कल्याण निधि और शोध मेधा छात्रवृत्ति के तहत ये स्कॉलरशिप 3 साल तक दी जाएगी। ये वाकई में मतलब कि प्रो लेवल की स्टडी करने वाले एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रात की बात है कि ये एक रिसर्च वाली एजुकेशन भी ले लेंगे और इनको 5,000 रुपए हर महीने भी मिल जाएंगे, तो इनका खर्चा पानी आराम से निकल जाएगा। ओके, और अगली खबर हम बात करें अपन आज के मौसम समाचार को लेकर, अपडेट देखिए। एक तो मौसम विभाग की चेतावनी आ रही दोस्तों की 7 राज्यों में आंधी के आसार तो है ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश भी हो सकती है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी के लगातार आसार दिख रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश तो हो सकती है, ठीक है ना। और इसके अलावा इन राज्यों में 18 से 23 मार्च तक तेज बारिश और ओलावृष्टि यानी कि गड़े वगैरह पड़ने की, ओले गिरने की संभावना भी आ रही है कई राज्यों में। संपूर्ण भारत का आज 18 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान एक तो गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की गरज या बौछारें पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान बारिश होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की बढ़ने की संभावना है MP में। ओके, ये रहा अगले 24 घंटों का मौसम भविष्य पूर्वानुमान देश भर का। और वही बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, देखिए शादियों के सीजन से पहले सोना सस्ते में खरीदने का मौका हो सकता है आपके पास। अभी सोने का नया रेट क्या चल रहा है दोस्तों, तो गोल्ड के भाव में 10 ग्राम में 60 रुपए की तेजी देखने को मिली, और उसके बाद अभी सोने का नया रेट चल रहा है 44,519 रुपए प्रति 10 ग्राम। ओके, और वही चांदी की बात करें तो चांदी में 200 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 66,536 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वही अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट खबरें हैं। एक तो आपको पता होगा कल ही कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक मंथन चर्चा की, और उस मंथन में पीएम मोदी बोले दोस्तों कि गांवों में फैला संक्रमण तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें अभी ही टेस्टिंग वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं हो कि कोरोना का संक्रमण जो है वो सिटी यानी कि शहरों के जरिए वापस गाँव तक ना पहुँच जाए। ये बहुत ही सीरियस बात है ध्यान रखने की। इसके लिए पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि छोटे शहरों में टेस्टिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। कोरोना को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 8 बड़े ही अच्छे मंत्र दिए। एक तो उन्होंने 3T का मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 T पर हमें जोर देना पड़ेगा। पीएम मोदी के 5 प्रमुख पॉइंट्स आप देख सकते हैं कोरोना को रोकने के लिए। एक तो टेस्टिंग का 70% हिस्सा जो वो RT-PCR ही हो ताकि ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट रहे। इसके अलावा वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाए जाए यानी कि भारत में वैक्सीन लगाने की जो जगह है सेंटर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा किया जाए। वैक्सीन वेस्ट न हो, एक्सपायरी डेट का ध्यान रखा जाए, जहाँ जरूरी हो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, और दहशत फैलाए बगैर दवाई भी और कड़ाई भी इस रूल का पालन किया जाए तो कोरोना को रोकना थोड़ा आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने इन्हीं बातों पर जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाओ, टीकाकरण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, और साथ ही कोरोना पर खबर देख सकते हैं दोस्तों कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर 4 यात्रियों को फ्लाइट से भी उतार दिया गया, और भी नियम सख्त हो चुके हैं। DGCA ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी ये बात बताई। दरअसल दोस्तों कई लोग ऐसे जो फ्लाइट सफर के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मास्क वगैरह जरूर लगाते रहें, वरना आप फ्लाइट में बैठने के लिए परमानेंट बैन भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ये कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा ही चल रहा है, ठीक है ना इसलिए। और इसके अलावा कोरोना पर और एक खबर देखिए, WHO ने भी चेतावनी दी है, हर सप्ताह बढ़ रहे हैं कोरोना के 10% नए मामले, यूरोप के भी हालात चिंताजनक चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि पिछले सप्ताह दुनिया में COVID-19 के मामलों में 10% की दर से बढ़ोतरी हुई है, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका और यूरोप का रहा है। WHO ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर बुधवार को प्रकाशित साप्ताहिक आंकड़ों में बताया कि जनवरी के शुरुआत में महामारी अपने चरम पर थी और करीब 50 लाख मामले प्रति सप्ताह आ रहे थे, लेकिन फरवरी के मध्य में इसमें गिरावट देखी गई और ये 25 लाख के करीब पहुंच गया आंकड़ा, लेकिन अभी वापस बढ़ने लगा। तो कहने का मतलब थोड़ा कम होकर के वापस कोरोना का आना मतलब हम लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है। आपसे रिक्वेस्ट है बार बार, मैं आपको ये कहता रहता हूँ बाजार में भी जाए तो मास्क वगैरह जरूर लगा कर जाए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों से बचने के लिए इन राज्यों में स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद कर दें और बोर्ड एग्जाम को भी टाल दिया गया। एक तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सीमित लॉकडाउन लगी चुका है, रात्रि कर्फ्यू अभी भी चली रहे हैं, मध्य प्रदेश भोपाल वगैरह मैंने आपको बताया भी थे, पंजाब के भी कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, स्कूल भी यहां पर बंद कर दिए गए। गुजरात में भी दोस्तों स्कूलों को निर्देश जारी किया गया कि जब तक COVID-19 ठीक नहीं हो जाता तब तक ये बिल्कुल बंद रहेंगे, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स भी यहां पर छात्र
छात्र जो है वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। वही मुंबई में भी ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दे दिए गए हैं। ओके, तो ये कुछ कोरोना पर स्कूलें बंद करने को लेकर अपडेट है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, भारत में टीकाकरण पर अब एक अच्छी खबर आ रही है। वैक्सीनेशन अभियान जो भारत में कितना तेज चल रहा है, अब तक 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक लग चुकी है हमारे इंडिया में। 3.64 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, जो कि वाकई में एक बहुत ज्यादा आंकड़ा है। और अपने आप में हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में ही कोरोना का टीका का निर्माण हुआ और आज हम किस गति से प्रगति से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। अगर आप भी इंडिया में रहते हो और इंडिया के ही हो दोस्तों, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इंडिया के लिए, सच्चे दिल से हिंदुस्तान के लिए एक लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए वैक्सीन पर और एक अच्छी खबर है कि उड़ीसा राज्य में जो सरकार है वो 1000 नए वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की प्लानिंग बना रही है। बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिलेगी वैक्सीन लगवाने को लेकर, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं तो उनको परेशानी होती है, कई बार हम खबरों में देखते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए वहां पर बुजुर्गों के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1000 वैक्सीन सेंटर टोटल खोलने की प्लानिंग है उड़ीसा राज्य में। ओके, और इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक तो यूपी में अब कोई भी कोविड प्रभावित राज्य से आता है ना, तो फिर यात्रियों को कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी होगा। और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 भी लागू हो चुकी है। 10 मई तक प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अच्छा, कुछ और गाइडलाइंस भी हैं, जैसा कि नए आदेश के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क के बिना एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसके अलावा दुकानदारों को मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, बिना इस पास के नहीं कर पाएंगे अंतरराष्ट्रीय यात्रा। एयरलाइन कंपनियों ने भी एक नया ट्रायल शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है ना, इसी बीच अब इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियां जो है ना वो एक अलग से ट्रेवल पास शुरू करने जा रही है। कहने का मतलब कि कोरोना काल के लिए स्पेशली डिजाइन किया है वो, और इस दौरान अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो वो पास लेना आपको जरूरी होगा। अच्छा, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान फिर से मामलों में बढ़ोतरी की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। 35,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए, जो कि पिछले काफी दिनों बाद बहुत ज्यादा आंकड़ा अपने आप में। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,74,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही है 2,49,000। और भारत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा चल रहा है 1,59,000 से भी ज्यादा। ओके, ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। बाकी देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों कि किसानों की दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद करने की धमकी है। राकेश टिकैत बोले कि जल्द ही फैसला करेंगे इस पर। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर आने वाले दिनों में किसान भाई लोग जो है वो एक बार फिर से दिल्ली नोएडा बॉर्डर को बंद कर सकते हैं। जी हाँ, भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने इस बात के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला समिति को करना है। टिकैत ने कल ही कहा दोस्तों कि हाँ, हम दिल्ली नोएडा सीमा को बंद करेंगे, लेकिन ये किस तारीख को होगा ये फैसला अब लेना बाकी है। काफी दिन हो चुके हैं किसानों को भी आंदोलन करते हुए, आपको पता होगा कि देखते हैं अब सरकार इनके लिए क्या डिसीजन लेती है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया दोस्तों कि 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर भरपूर पानी था और गहरे समुद्र भी थे, तो फिर आखिर ये पानी कहाँ चला गया? इस पर कुछ वैज्ञानिकों का इतने दिन ये तर्क और मानना था कि ये पानी आसमान में हवा में उड़ गया, लेकिन अब हाल ही में आपको पता होगा नासा की तरफ से मंगल पर नया रोवर उतारा गया था और उसमें ये बात सामने आई दोस्तों कि ये पानी जो है ये आसमान में खुले हवा में नहीं गया, बल्कि ये पानी मंगल ग्रह के अंदर ही रिस चुका है। जी हाँ, अभी मतलब कि मंगल ग्रह पर जाकर के बोरिंग से बोर करवाए ना, तो वहाँ पर पानी निकलने के चांसेस हैं अभी तक की नई रिसर्च के मुताबिक। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर। इंस्टाग्राम ने सेफ्टी फीचर्स नया लॉन्च किया है टीन एजर्स को सेफ रखने के लिए। इंस्टाग्राम की एक नई पहल है, छोटे बच्चे बच्ची जो अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो कुछ सिक्योरिटी फीचर अपडेट किए हैं। एक तो कम साल के बच्चे अपना अकाउंट ही नहीं बना पाएंगे, टीन एजर्स से संपर्क नहीं कर सकेंगे अनजान वयस्क यूजर्स भी। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई वयस्क है, कोई संदिग्ध एक्टिविटी करता है, संदिग्ध व्यवहार करता है, तो टीन एजर्स को एक अलर्ट मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट जो है इंस्टाग्राम में आपको देखने को मिलेगी, अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के हित में एक नया कदम है। अनाज खरीद में बायोमेट्रिक सिस्टम से फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर उपज बेचने का फायदा सिर्फ वास्तविक किसानों को ही मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार जो एक नया कदम उठाने जा रही है। और इसके तहत गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों ये कुछ फसलें बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम से पुख्ता की जाएगी, यानी कि फिंगरप्रिंट वगैरह पीओएस मशीनों से टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, यस बैंक के को फाउंडर रहे राणा कपूर का बंगला नीलाम हो चुका है। 114 करोड़ रुपए में बोली लगी है, मारो बंगलो गयु छू है।
ये सोच रहे होंगे। जी हाँ, यस बैंक के को फाउंडर हैं ये, और बंगले की वैल्यू कितनी, 114 करोड़। ब्लिस विला इनके बंगले का नाम है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, मेड इन इंडिया ब्राउजर नया आ चुका है, अब एंड्रॉइड टीवी में भी इस्तेमाल कर सकेंगे जियो पेजेस, इनबिल्ट मिलेंगे 10,000 वीडियोस। दरअसल दोस्तों, रिलायंस जियो के वेब ब्राउजर जियो पेजेस ने एंड्रॉइड टीवी पर भी एंट्री मार ली है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, इसे लेटेस्ट अपडेट के जरिए एंड्रॉइड टीवी बेस्ड स्मार्ट टीवी पर लाया जा सकेगा। खास बात यह है कि वेब ब्राउजर 8 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, और इसमें स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए वेब ब्राउजिंग को आसान बनाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सेक्शन और पीडीएफ रीडर जैसे कई सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे क्रोम से भी कुछ एक्स्ट्रा। और साथ ही अगली खबर देखिए, 31 मार्च तक पूरा कर लें ये 8 काम, वरना आपको बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, 1 अप्रैल से आपको पता होगा न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है, राइट? और इसमें कई सारे ऐसे पेंडिंग काम है जो आपको जरूर 1 अप्रैल से पहले पहले, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले, 31 मार्च या 1 अप्रैल से पहले पहले निपटा लेने चाहिए। अब क्या क्या 8 ऐसे काम है, अभी मैं यहाँ पर एक एक को आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, आपको भी पता है, और आपको भी इतना टाइम है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ ना यार, क्यों ना, मतलब मैं इस टॉपिक का एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, 2-3 मिनट का, और DLS न्यूज के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है ना? तो आप आज ही दिन में चेक कर लेना, इस टॉपिक पर आपको अलग से सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ओके, और साथ ही फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, देखिए अपडेट, COVID-19 महामारी के बाद 26 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी जी वो बांग्लादेश के दौरे पर जाने की प्लानिंग भी बना रहे हैं। 2 दिवस के दौरे पर वो बांग्लादेश जाएंगे, इस दौरान वह 3 ऐतिहासिक कार्यक्रमों के स्मरणोत्सव में हिस्सा भी लेंगे बांग्लादेश में, है ना, और वहां के हिंदू मंदिरों का भी पीएम मोदी दौरा करेंगे। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आज से खुला 2021 का 14वां IPO, और पहली बार गेमिंग कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री भी होने जा रही है। कौन सी गेमिंग कंपनी शेयर बाजार जा रही है? दरअसल रोब्लॉक्स कंपनी जो है ना, बच्चों के गेमिंग एप्स बनाने वाली, ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो चुकी है। ओके, तो इसी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट, वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आपने कोई भी बैटल रॉयल गेम खेला है, और खेला तो कौन सा खेला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। यानी कि ऐसा कोई गेम खेला जिसमें बंदूक से अपन लोगों को डिशुंग सर्वाइव करना पड़ता है, ऐसा कौन सा गेम आपने खेला, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। और क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, पबजी, फ्री फायर वगैरह वगैरह, कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ओके, और हाँ, इतना ही नहीं, आप DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप रोजाना के मुख्य समाचार और ताजा खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।